दोस्तों, सीआईडी के सीजन 2 में क्या सीआईडी के मुखिया एसीपी प्रद्युमन को गोली लगने वाली है? लेकिन कौन चलाने वाला है एसीपी प्रद्युमन के ऊपर गोली? क्या यह सीआईडी का कोई दुश्मन है या सीआईडी में से ही कोई एसीपी सर पर गोली चलाएगा? सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, बात करें अगर सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन की, तो एसीपी प्रद्युमन एक जाने माने कलाकार है जिनका असली नाम है शिवाजी साटम। आपने वास्तव मूवी में उनको संजय दत्त के पिताजी के भूमिका में ज़रूर देखा होगा और ये मूवी काफ़ी पसंद है मुझे। वैसे आपको पसंद है कि नहीं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात करें अगर सीआईडी के शो की, तो सीआईडी शो में एसीपी प्रद्युमन शुरुआत से ही काम कर रहे हैं और उनके लाखों में नहीं करोड़ों में फॉलोअर्स हैं। एसीपी प्रद्युमन को गोली सीआईडी के सीजन 2 में अभिजीत चलाने वाले हैं, जो कि गलती से चलने वाला है क्योंकि दया एक केस में फंस चुके हैं जहां पर सारे सबूत दया के खिलाफ होने के कारण एसीपी प्रद्युमन उनको जेल ले जाने के लिए बोलते हैं। वहीं पर अभिजीत ये नहीं होने देते हैं। अभिजीत ये बोलते हैं कि दया बेगुनाह है और वहीं पर अपनी बात रखने के दौरान अभिजीत अपना बंदूक निकाल लेते हैं और गलती से गोली चलकर एसीपी प्रद्युमन को लग गई है। अब देखते हैं एसीपी प्रद्युमन क्या करते हैं इसके बाद।